राइट है लेफ्ट है? राइट है, राइट लेफ्ट राइट राइट फ्रेंड्स आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लाइसेंस आज बन के आ चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, गाइस मेरी वीडियो को पूरी देखने स्टेप बाय स्टेप आप भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पास हो जाओगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिए प्लीज़। चलो चलते हैं। वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने लाइसेंस के लिए। आज मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर क्या होता है RTO में। ये है मेरा फ्रेंड, आज ये भी मेरे साथ जा रहा है। हेलो गाइस, मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और बेल आइकन को जरूर जरूर दबाओ। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स अभी कुछ बज रहे 6:30, तो हम 6:30 बजे इसलिए निकल चुके हैं। फ्रेंड्स अभी बिल्कुल भी धूप नहीं है, इतना बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा लेट होते तो इतनी धूप हो जाती, आपको पता ही है गर्मी में क्या हाल होता है आजकल। और वैसे भी हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस के टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे तक ही है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पूरी डिटेल में कि लाइसेंस कैसे बनता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो भी बिल्कुल सस्ते में। तो प्लीज़ उसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हो सके तो आप इस वीडियो से रूट भी समझ सकते हैं कि हमें कैसे पहुंचना है। सराय काले का हमारा सेंटर पड़ता है लाइसेंस का। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती सके। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना, मैंने आपके लिए एक एक डिटेल में पूरी टिप्स दिखाई है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है और कैसे जाना है। मैंने बिल्कुल जहाँ पे हमें ड्राइविंग टेस्ट होता है उस चीज़ की भी मैंने यहाँ पे वीडियो आपको दिखाई है, आप जिससे समझ सके कि हमें वहाँ जाके क्या करना है। तो देखते रहिए फ्रेंड्स और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा यही बात बोलना चाहूँगा, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, बस हम कुछ ही सेकंड में वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ हमारा लाइसेंस बनने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी, बस मेरा लाइसेंस आज बन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी लर्निंग। जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये लर्निंग मिल जाती है। तो हम बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। गाइस ये देखिए मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मेरा वैसे लर्निंग बन चुका है। तो ये सेकेंड नंबर गेट है, यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितनी भीड़ होती है, यहाँ पर बताया जा रहा है जो सबसे फर्स्ट नंबर पर खड़ा है वो सुबह 5:30 बजे से आया हुआ है फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितनी भीड़ है, वैसे यहाँ इससे भी ज़्यादा भीड़ रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट का सर्वर डाउन कर रखा है।
इस वजह से कई लोगों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पा रही है, तो हमें तो इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है पूरे एक महीने बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सीएनजी पंप है, उसके बिल्कुल साथ में ये है इंद्रप्रस्थ लिमिटेड है। फ्रेंड्स मैं अंदर जा चुका हूँ और अंदर कुछ इंटरफेस ऐसा है, बहुत बड़ा ऑफिस है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लीज़ घबराइए मत, ये 3rd नंबर गेट है मेरा, वहाँ पे सबमिट हो गया है डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे स्टैम्प भी लग चुकी है। तो देखिए 3rd नंबर गेट कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, और इसी गेट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा गाइस। दिखे सकते हैं यहाँ पे आपको, मैं बिल्कुल दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल पार्किंग भी मिल जाएगी, स्कूटी बाइक ऑटो या कार सब पार्किंग अवेलेबल है फ्रेंड्स। ये देखिए पूरा भरा पड़ा है फ्रेंड्स, लॉकडाउन में आपको पता ही है कोई नहीं आ पा रहा था, इसलिए अब सब इसी टाइम पे आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे पार्किंग रेट भी दिखाऊंगा अभी फ्रेंड्स, कि आपको पर हॉर्स के कितने पैसे लगेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं पार्किंग के पूरा बोर्ड है, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, पर हॉर्स के यहाँ पे 10 रुपीज़ लगते हैं फ्रेंड्स, कार के 20 रुपीज़। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे आपको फ़ोन पे भी मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, वो भी पार्किंग में फ्रेंड्स। तो देखिए मैं यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, गाइस अभी तो हमें यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। ये देखिए ये कार की लाइन है और ये 2 व्हीकल्स लाइन है, मोटरसाइकिल एंड स्कूटीज़। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे वेटिंग पे खड़े हैं, क्योंकि जो पहले स्लॉट था वो अंदर जा चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे अभी कार का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कार का टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सिर्फ मैंने आपके लिए ऐसे वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। तो गाइस प्लीज़ यूज़ एयरफोन्स, अभी आपको 2nd पर्सन की वॉइस सुनाई देगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, वो आपको वहाँ के गाइडलाइंस बताएगा, जो हम ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आए हुए उनको वहाँ के गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा। कोई भी टेस्ट नहीं देगा, गाड़ी के आगे पीछे दोनों तरफ ऐसा लगाना चाहिए, हेलमेट प्रॉपर बंदी होनी चाहिए, नंबर प्लेट ठीक होना चाहिए, शीशे ठीक होना चाहिए। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, गाड़ी को यहाँ पार्क करनी है, टी सेट के साथ, और यहाँ वेट करना है। क्या कह रहे हैं? जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए, गाड़ी को यहाँ पार्क करनी है, लेफ्ट साइड पे, इस साइड पे, और आपको यहाँ वेट करना है, आपको रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है? और अभी यहाँ के जा रहे थे, अभी यहाँ के जा रहे थे, बताएगा पहले सुन लो यार, इंडिकेटर कहाँ स्टार्ट करना है, कहाँ कहाँ चेंज होना है, पहले उसको देख लो। फ्रेंड्स मेरा ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे ख़त्म होता है, आपने भी देख लिया होगा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी बन के आ चुका है, वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर मेरा लाइसेंस घर पे आ चुका। और एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, आपको दुनिया चाहे कुछ भी बोले, बट मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ वहाँ की, आप वहाँ पर अपनी स्कूटी वगैरह भी लेके जा सकते हैं, वो भी आपके काम आ सकती है, मोटरसाइकिल विद गियर, गियर के साथ आपको वो ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइस हम वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के।